अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब अपडेट की एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो मैं आपकी दूसरी वैकेंसी लेकर आया हूँ वो है जी पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ दी पंजाब। ठीक है, इसमें जो है वो ज़बरदस्त किस्म की वैकेंसीज आ गई हैं। ठीक है, अप्लाई का मुकम्मल तरीकाकार क्या है मैं आपको इस वीडियो में समझाऊँगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करनी। तो सबसे पहले जो है वो एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं जी, उसके बाद जो है मैं आपको अप्लाई का तरीका भी समझा देता हूँ। ठीक है, ये देखते हैं पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी। ठीक है, पोजिशंस अवेलेबल। ठीक है, इसमें जो है वो सबसे पहली हमारे पास वैकेंसी है सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर। ठीक है, अकाउंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एक इसमें सीट है जी लाहौर बेस्ड। ठीक है, मीन्स कि लाहौर का पर्सन होना चाहिए। इसमें जो है वो आपकी तालीम मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए इन जो है फाइनेंस या कॉमर्स या एम कॉम या एम बी ए फाइनेंस। ठीक है, या बैंकिंग में अगर आपने किया है सी ए ए सी सी ए या ए सी एम ए तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें जो आपकी एज की लिमिट है मैक्सिमम वो 63 ईयर्स तक है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है जी प्रोग्राम ऑफिसर फाइनेंशियल। ठीक है, मैनेजमेंट, इसमें भी जो है वो एक सीट है लाहौर बेस्ड, जो है मीन्स कि लाहौर का रहायशी होना चाहिए बंदा। इसमें मास्टर्स की जो है वो डिग्री है। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपकी जो है मास्टर्स होनी चाहिए, एम कॉम या एम बी ए फाइनेंस किया हो। ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आपकी एज की लिमिट है, ठीक है, वो 55 साल तक है मैक्सिमम एज की लिमिट जो है वो, ये देखें 55 साल तक लिखी है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है जी प्रोग्राम ऑफिसर कोऑर्डिनेशन, एक सीट है इसमें भी लाहौर बेस्ड। इसमें भी जो आपकी तालीम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो जो है वो कॉमर्स या बिजनेस स्टडीज़ में आपने जो है वो मास्टर्स किया हो तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। इसमें भी जो एज की लिमिट है वो 55 साल तक है। ठीक है, उसके बाद है प्रोग्राम ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, इसमें भी एक सीट है लाहौर बेस्ड। मास्टर्स की डिग्री आपकी इसमें भी जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपकी एज की लिमिट जो है वो 55 साल तक है। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम ऑफिसर प्रोक्रूटमेंट है। ठीक है, इसमें दो जो है वो पोस्ट हैं, लाहौर पर्सन जो है वो इसमें भी रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, मास्टर्स की डिग्री इसमें जो है वो होनी चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज़। ठीक है, और इसमें जो आपकी एज की लिमिट है वो 55 साल तक है। उसके बाद अगली है जी प्रोग्राम ऑफिसर मॉनिटरिंग एंड एवेलुएशन, इसमें भी जो है मास्टर की डिग्री आपकी होनी चाहिए। ठीक है जी, बिजनेस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में। ठीक है, एज की लिमिट इसमें भी जो है वो 55 साल तक है। अच्छा जी, अब यहाँ इस साइड पर आ जाते हैं तो प्रोग्राम ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट, इसमें जो है वो एक सीट है गुजरांवाला बेस्ड। ठीक है, मीन्स के गुजरांवाला का जो है पर्सन अप्लाई कर सकता है। ठीक है जी, और इसमें जो है वो आपकी डिग्री जो है वो मास्टर्स की होनी चाहिए, एज की लिमिट इसमें 55 साल है। उसके बाद डिप्टी प्रोग्राम ऑफिसर प्रोक्रूटमेंट है, इसमें दो सीटें गुजरांवाला और खानेवाल। ठीक है, खानेवाल और गुजरांवाला से जो है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी जो है मास्टर्स की डिग्री जो है वो होनी चाहिए इंजीनियरिंग कॉमर्स या बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज़ में। ठीक है, एज की लिमिट 45 साल तक है इसमें। उसके बाद है डिप्टी प्रोग्राम ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एक सीट है फैसलाबाद से। तालीम जो है वो इसमें होनी चाहिए जी आपकी मास्टर्स की डिग्री। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग किया हो आपने, एज की लिमिट 45 साल है। ठीक है, उसके बाद डिप्टी प्रोग्राम ऑफिसर, ठीक है जी, इसमें जो है वो एक सीट है लाहौर बेस्ड और आपकी जो है वो तालीम इसमें जो है वो मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए इकनॉमिक्स या बिजनेस इकनॉमिक्स या बिजनेस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, एज की लिमिट 45 है। उसके बाद डिप्टी प्रोग्राम ऑफिसर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, गुजरांवाला से जो है वो एक सीट रिक्वायर्ड है। मास्टर्स की डिग्री आपकी होनी चाहिए फाइनेंस या कॉमर्स में या एम कॉम या एम बी ए फाइनेंस या बैंकिंग या बिजनेस स्टडीज़ में। ठीक है, आपने मास्टर्स किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए गुजरांवाला से, और एज की लिमिट है 45 साल। उसके बाद नेक्स्ट है जी डिप्टी प्रोग्राम ऑफिसर एनवायरनमेंट एंड सोशल सेफगार्ड्स, दो पोस्ट हैं इसमें भी, खानेवाल से एक है और एक गुजरांवाला से आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आपकी तालीम चाहिए वो मास्टर्स की डिग्री इन्वायरमेंटल साइंसेस में या इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, ठीक है, या सोशियोलॉजी में। ठीक है जी, एज की लिमिट इसमें भी जो है वो 45 साल तक ही है। उसके बाद रिसर्च एनालिस्ट प्लानिंग, इसमें मास्टर्स की डिग्री आपकी रिक्वायर्ड है और एज की लिमिट है मैक्सिमम 30 ईयर्स। ठीक है जी, उसके बाद ये भी लाहौर बेस्ड मतलब होना चाहिए जो आगे बताया मैंने। उसके बाद रिसर्च एनालिस्ट इकोनॉमिक्स, ये भी लाहौर बेस्ड, मास्टर्स की डिग्री इसमें भी रिक्वायर्ड है, एज की लिमिट 30। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, एक पोस्ट है फैसलाबाद
से, और इसमें आपकी तालीम बैचलर्स की होनी चाहिए, ठीक है। बैचलर्स आपने किया हो कॉमर्स या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट जो है वो इसमें 45 ईयर्स तक है, ठीक है। अप्लाई की, अच्छा तो ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। अप्लाई की जो लास्ट डेट है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 अप्रैल 2023, ठीक है, मीन्स के 10 अप्रैल 2023 तक आपके पास टाइम है ऑनलाइन अप्लाई करने का। ऑनलाइन अप्लाई जो है वो www.jobs.punjab.gov.pk, ठीक है, इस पर आप जो है वो अप्लाई करना है ऑनलाइन, ठीक है। अप्लाई की जो लास्ट डेट है ऑलरेडी मैंने बता दी है, ठीक है। तो आई थिंक सो कि मैंने डिटेल्स आपको समझा दी हैं, फिर भी अगर किसी को कोई इशू हो, इस वीडियो में कोई चीज़ ना समझ आई हो, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस हवाले से आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।